चीज़ें भूल जाती हैं। अगर हम भी तो इंसान है ना, रूहानी में कोई रुकावट आ गई, किसी और तरफ तवज्जो बट गई, अब जब चीज़ भूलती है तो हाँ मैं कह रहा था ये हम कर रहे होते हैं, यही हो रहा होता है ना। इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? ये तो मुमकिन है कि चीज़ भूल जाए, हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं तो भूल ही गया ना, मैं बात क्या कर रहा था, तो सवाल करने के लिए भी तो वो मुझे हाजिर मुझ चाहिए ना, मुझे तो टाइम चाहिए कि मैं बोल नहीं सकता इस वक्त, मुझे ख्यालात गुड मूड हो गए आपस में, बोल नहीं पा रहा। शाबाश, एक कैंडी दें, सुनिएगा, आपके लिए बैठ रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है बैठने की, आपके लिए बैठ रहा हूँ। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, बात करते करते भूले, रुक जाए, हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था, क्या हुआ, आपका जो वक्फा होता है भूलने का, जिसमें मुँह से आ ऊ ई ऊ निकल रहा होता है, वो एक और दो सेकंड से तवील नहीं होता, और स्टेज पर ये एक से दो सेकंड पहाड़ जैसे होते हैं। अगर एक या दो सेकंड आपके जहन में वो बात ना आए तो ये बहुत पहाड़ होता है ये। अच्छा, बात कर रहे हैं आप करते करते, मैं आपको बताना, जी रुमाल आपकी जेब में है, ऐनक आपने लगाई हुई है, बस ऐनक निकाल के उतार के साफ कर लें एक दफ़ा। मतलब आप ऐनक लगा के बात, आपने चश्मा लगाया हुआ है ना, आप बता रहे हैं कि मुसलमानों में कुर्बानी के मसले में आपको बताना चाहता हूँ, एक रवायत है। अब वो रवायत यकदम भूल गई, तो वो रवायत, हाँ मुस्लिम शरीफ में आता है। देखिए ना, आपने कितने बावकार तरीके से टाइम लिया है जी, चश्मा साथ लेके जाया करें। अच्छा, हम मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक याद आ गया, नहीं आया अभी भी, अभी आता है, याद ठहरे, हाँ, जिसका ताल्लुक आपके जज्बे और ईमान के साथ है। आप देखिए कि क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या कह रहे हैं, ताकि इजाफा, क्या बता रहे हैं आप इन्हें, नहीं नहीं आप नहीं, ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, भूल गया था। अच्छा, फौरन नहीं जहन में आया, ठीक है, इतना ही टाइम चाहिए होता है बस, बिल्कुल ठीक है, इसे बिल्कुल, इसे कहते हैं टाइम खरीदना, बाइंग टाइम। अब अच्छा, आपने इमामा पहना हुआ है, आपने टोपी ली हुई है, ऐनक नहीं है आपके पास, तो इमामा भी तो ख़राब हो जाता है, इमामा भी तो ठीक करना होता है बाज़ूकात। हाँ जी यार, आज ये चुभ रहा है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे इधर, ये कल से तंग नहीं कर, देखिए क्या मसला है जी। मेरे साथ इस तरह का मामला कभी कभी पेश आ जाता है। अच्छा, तो जब बात भूल जाए तो मैं कहता हूँ कि ये जो बात चल रही है ये बात बहुत अहम है, लेकिन एक और बात है जिसका इसके साथ ताल्लुक है, जब तक हम उसको इसके साथ मिला कर जोड़ कर समझेंगे नहीं, वो बात हमें समझ भी नहीं आएगी। देखिए कितने चालाक हैं, आज पता लग गया आपको, जब ये कहा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ करेगा। अब बेहतर है, अब बेहतर है, हाँ जी। आपने देखा है कि ये सिर्फ एक या दो सेकंड्स चाहिए होते हैं, ये जो है ना आ ऊ ई हूँ हे मैं, ये जहर है पब्लिक स्पीकर के लिए।